ओके, तो हमें क्या करना है, देखिए लेसन है हमारा फर्स्ट लेसन, आपको मूमेंट्स ऑफ अवर बॉडी, मूमेंट्स मूमेंट्स ऑफ अवर बॉडी यानी जो हमारे शरीर के जो अंग है। देखो सेकंड स्टैंडर्ड का सेकंड लेसन था हमारा मूमेंट ऑफ द बॉडी। ओके, तो बाकी बच्चों ने अपने माइक ऑफ ऑन ऑफ किए नहीं, तो प्लीज़ पहले सबसे पहले आपके माइक ऑफ कर दीजिए। अनिरुद्ध माइक ऑफ कीजिए। अनिरुद्ध आपकी आवाज़ आ रही है इधर? ओके ठीक है, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए तो आपको मेरे साथ रीडिंग करना है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर्स मैंने एग्जाम में डाउट किए थे। दिस इज सर, यानी आपको रीराइट करना है। CWH विच पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर यूज व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्शन गिवन ना, ओके दिस फर्स्ट है डिसेंडिंग द स्टेयर्स। अतः स्टेयर्स यानी डिसेंडिंग मैंने नीचे नीचे उतरना, जैसे हम स्टेयर यूज करते हैं। हेलो सर, आने आ रही है। कौन बात कर रहा है? सबको आवाज आ रही है मेरी? अनुरुद्ध आवाज आ रही है मेरी? दीप्ति पवार आवाज आ रही है मेरी? दीप्ति पवार, जयेश अरुण पाटिल आवाज येते का माझी? तो हमने देखा था, देखो बॉडी के जो मूवमेंट हैं, जैसे लेग मूवमेंट्स, स्किप्स, हेल्प्स, स्कीपिंग रोप, डांस, क्लीम, जैसे ड्राइंग, हैंड्स के फिंगर्स होंगे, ड्राइंग, नेल्स वगैरह एक्स्ट्रा। तो हमें क्या करना है, हमें कौन सा बॉडी पार्ट्स यूज़ करना है, वहाँ पे हमें रीराइट करना है प्रॉपरली। जैसे लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बताया है डिसेंड इन द स्ट्रेट्स, मतलब नीचे आपको करना। तो आप क्या लेग्स किसके यूज करते हो? लेग। हाँ, यहाँ पे लिखना है एक्शन बिलो विच इज द पार्ट ऑफ, इधर यहाँ पे आएगा लेग्स। तो यहाँ लिखते हो आप रीराइट में एल ई जी एस लेग। ओके, सेकेंड है वर्कबुक, ये वर्क तुम्हारे नहीं है, एक्सरसाइज बनला प्रैक्टिस बनून क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन को सॉल्व करता है, प्रैक्टिस घेतो। हे बुक मध्ये नाही है, हे वर्कबुक आहे, हे तुमच्याकडे नाही आहे, लक्षात ठेवा। मी तुमची आता क्वेश्चन आंसरची प्रॅक्टिस घेतोय। सेकंड क्वेश्चन आहे, लक्ष द्या, लॅचिंग द डोर, लॅचिंग डोर म्हणजे जे आपला दरवाजा असतो ते लावणं, त्यासाठी आपण हँडचा यूज करतो, बरोबर? HADN हँड्स। त्यानंतर लुकिंग डाऊन, खाली पाहण्यासाठी NECK माने सभी को बेंडिंग फॉरवर्ड, जे खाली वाकते हैं, खाली वाकने से अपन बेस्ट एक कमरे होते हैं, ठीक है? ठीक सही नहीं अपन के पास अगर करते नहीं तो अपन आप लोग कई मुझे समझना सकता है ऐसा यूज होते हैं बेंड फॉरवर्ड। मैं क्वेश्चन का है बेंग फॉरवर्ड, तो बेंडिंग फॉरवर्ड ला का के लिए मूवमेंट ऑफ द वेस्ट, मूवमेंट ऑफ द वेस्ट वेस्ट म्हणजे आपली कमर। मी तर डब्ल्यू तुम्ही आंसर लिहू शकता डब्ल्यू ARST वेस्ट, बरोबर वेस्ट लिहू शकतो आपण। सेकंड क्वेश्चन आहे ब्रीथिंग इन म्हणजे ऑक्सिजन आहे, ऑक्सिजन ब्रीथिंग, ब्रीथिंगसाठी आपण काय यूज करतो, काय यूज करतो, कोणता पार्ट यूज करतो? नोज। काय करतो? नोज। इथे येईल NOSE नोज। ओके, हे आमचा क्वेश्चन कम्प्लीट आहे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड आमचा क्रॉस आउट द रॉन्ग वर्ड इन द ब्रैकेट्स। हाँ, इसमें जो कुछ वर्ड्स होंगे जो रॉन्ग होंगे उसको हम क्या करना है, क्रॉस करना है। जैसे फर्स्ट अवर लेग फ्रॉम द वो थाय, म्हणजे आपण जे पाय उचल लिफ्ट करतो त्यासाठी कोणता यूज करतो आणू शकतो याच्यामध्ये वॉक।
लेग से बॉल का विच पिंकल ग्रोइन द रिंग हां इट कैन एंकल होल्ड सी एंकल ग्रोइन या ठिकाणी अप्लाई करतो कीपिंग साठी हाय चा उपयोग हा थाय हा शब्द या ठिकाणी रॉन्ग वापरला गेलाय हां तो इथे याला रॉन्ग वर्ड पाहिजे नी चा उपयोग बरोबर ना याला रॉन्ग करायचं बरोबर वी रेज अवर आर्म फ्रॉम द रिस्ट और शोल्डर रेज म्हणजे वरती करणे मग शोल्डर रिस्टचा वापर करत नाही आपण शोल्डरचा वापर करतो वरती हात करण्यासाठी हां वी एबल टू लुक डाउन सी विथ द हेल्प ऑफ अवर नेक खाली पाहण्यासाठी आपण कसं करतो लुक डाउन करण्यासाठी नेकचा उपयोग करतो मग लुक डाउन म्हणजे नेक सी नाही फक्त खाली वी आर एबल टू लुक डाउन सी याला क्रॉसिंग द हेड मूव विथ द हेल्प अवर शोल्डर नेक या ठिकाणी काही विथ द हेड मूव म्हणजे आपलं डोकं हलवण्यासाठी आपण कशाचा उपयोग करतो शोल्डरचा का मानेचा आपण नेक म्हणजे मानेचा उपयोग करतो या ठिकाणी शोल्डर ही रॉंग वी रन विदाउट मूविंग अवर नी वी कॅन रन विदाउट मूविंग नी वी कॅन नॉट विदाउट रन वी कॅन नॉट इथं कॅन नाही विथ आपण पडू शकत नाही घुटण्यांच्या आपण पडू शकत नाही नेक्स्ट आहे या ठिकाणी नेक लिप्स चेस्ट आता हे फिल इन द ब्लँक्स आपल्याला ठिकाणी राईट करायचे जसं फिल इन द ब्लँक्स विथ द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रॅकेट्स फर्स्ट आहे नेक लिप्स अँड चेस्ट वेन वी ब्रीथ इन अवर डॅश डॅश स्टमक मूव आता ज्यावेळेस आपण ऑक्सिजन आत घेतो सोडतो त्यास चेस्टचा उपयोग करतो का नाही या ठिकाणी या ठिकाणी चेस्ट येईल काय होतं आन्सर इथं चेस्ट EST chest when we look here and there and there ikade tikade panasathi neck NACK neck NACK neck nantar when we walk or laugh or move lips lip manje hoto lips okay esa apan upayog karto लास्ट क्वेश्चन एक्टिविटी या बच्चे ग्राउंड पे एक्टिविटी करें आपको क्या करना है यहाँ पे नेम द बॉडी यूज फॉर द मूविंग मूविंग पिक्चर्स गिवन बिलो चूज द वर्ड्स फ्रॉम दोस गिवन इन टू ब्रैकेट्स एंड एप्रोप्रिएट बिलोंग इज पिक्चर्स म्हणजे हे जे चित्र या ठिकाणी मूविंग साठी कोणता पार्ट यूज करताय त्याची नाव पर्टिक्युलर त्या ऍक्शन ठिकाणी लिहिचे मग त्यांनी चार नेक्स्ट दिलेल्या म्हणजे मान हँड हा दिले वेस्ट म्हणजे कमर आणि लेग ने आधी जे मुलं ग्राउंडवर पडतायत त्याच्यासाठी मेरी तिथं काम मुलींसाठी लेग मी तर पसंत रील लेग एल ई डी एस ओके हा सेक्चरमध्ये बॉय काय मी काय खाली वाटलं आहे कमरेच्या खाली वाटलं आहे मग इथं वेस्ट डब्ल्यू ए एस टी वेस्ट हा काय करतो आहे हँड सिम करतो आहे हा काही एच ए एन डी एस हँड हा काय त्याची आपली नेक्स्ट काय डाऊन केली नेक्स्ट मूवी ने मग इथं काय एन एस के नेक्स्ट N E C K. You learn? Do understand? Okay. Take care. Bye. यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है इसके रीराइट आपको क्वेश्चन देता हूँ.